गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, हवाई सेवा संघर्ष समिति के लोगों को दिल्ली की जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहिए था। हवाई सेवा कभी हो पाएगी बहाल, जब चाहेंगे। मुख्यमंत्री भागलपुर में हवाई सेवा शुरू कराने को लेकर भागलपुर घंटा घर चौक दीप नारायण स्थल पर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति धरना प्रदर्शन जारी है। आज गोड्डा के सांसद ने हवाई सेवा संघर्ष समिति के तत्वावधान में चलने वाले धरना प्रदर्शन पर एक अलग ही बयान देते लिखे। बाइट निशिकांत दुबे, गोड्डा सांसद। बस का और पंख लगाना चाहते हैं कि ये एक शुद्ध शाकाहारी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर हम सबसे पहले भागलपुर के सांसद का स्वागत करते हैं, अभिनंदन। कि हवाई अड्डा का जो मांग कर रहे हैं, भागलपुर में हवाई अड्डा बनना चाहिए, इसके लिए तो मैं 2000 से ही कह रहा हूँ। लेकिन जो जगह है भागलपुर एयरपोर्ट, आज भी जो लोग कहते हैं कि उस एयरपोर्ट पर छोटा प्लेन रुक जाएगा, माननीय सिविल एविएशन मंत्री ने कह दिया, वो केवल एक राजनीतिक स्टंट है, कुछ नहीं होना है। जब तक कि इस एयरपोर्ट का जगह माननीय मुख्यमंत्री जी निर्धारित नहीं कर रहे, क्योंकि जमीन जो है वो राज्य सरकार का विषय है, चाहे गौशाला में गौराडी में शिफ्ट होना हो, चाहे मेरा जो प्रपोजल है कि आकाशवाणी में एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पे आकाशवाणी शिफ्ट हो जाए, वो तभी संभव है जबकि माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी चाहेंगे। ये जितने धरनार्थी हैं इनको दिल्ली जाने के बदले इनको पटना में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी जब फैसला करेंगे तभी एयरपोर्ट बनेगा, नहीं तो ये ऐसे ही केवल हवाबाजी होते रहेगा। और मैं पिछले 20 साल से भागलपुर एयरपोर्ट के इसी आंदोलन को देखूँ।